वहीं 22 दिसंबर को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या देश की सियासत का सेंटर बन चुका है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि धर्म एक निजी विषय है, इसे भारत में राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, यह चिंताजनक है। सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि लोग तय करें कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या ऐसा राष्ट्र जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो। सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आस्था को भुनाने की सियासी तैयारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इसी बहाने धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू राष्ट्र की नई बहस छेड़ दी। तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। पित्रोदा ने कहा है कि आस्था निजी विषय है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी के सवाल को राम मंदिर से ढकना चाहती है। विल रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द आवर फॉर द नेशन। आई एम वेरी होपफुल दैट पीपल ऑफ इंडिया विल थिंक दैट द 2024 इलेक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। We are at crossroads and people of India will have to decide what kind of a nation they want to build. Do they want to build a Hindu Rashtra or they want to build a nation which is truly secular, plural, with focus on inclusion, diversity, sustainability. राम मंदिर पर राजनीति के साथ ही सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने को लेकर भी सवाल दागा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश की राजनीति राममय होती जा रही। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को आमंत्रण देकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी ऊहापोह में डाल दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना खुद को राम मंदिर आंदोलन का लंबरदार बता रही, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी असमंजस में। हालांकि वामपंथियों ने दो टूक कह दिया है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनके मुताबिक क्योंकि आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल देश हित में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते एक नहीं अनेकों बार कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने तो भारत भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाया है। तो ये तो वो व्यक्ति है जिसने केवल मोदी विरोध में या बीजेपी के विरोध में भारत के विरोध में उतरने का काम एक नहीं कई बार किया है। और जब भारत की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए तो ये सरकार का विरोध था या भारत की सेना के ऊपर सवाल उठाना था। इस देश में न्याय और ये सब होने लगा है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जिसने स्पष्ट रूप से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास को जोड़ते हुए 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचा है, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाए, महिलाओं के लिए इज्जत घर या टॉयलेट्स बनाए, उज्ज्वला योजना से चूल्हा खत्म किया, सड़कें गांव गांव तक पहुंचाए, बिजली गांव गांव तक पहुंचाया, सम्मान के साथ बैंक अकाउंट्स खोले। ये होता है न्याय, ये होता है एजेंडा। केवल शब्दों के खेल से या कोई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्दों का प्रयोग करके कोई यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता। न्याय होता है जब आप कार्य करते उस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में करना नहीं उचित समझा। राम मंदिर ये राजनीति करने का विषय नहीं है, यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी सरयू के नीचे, उनको फेंक दिया था गोली मारकर, वो पूरी सरयू लाल हो गई थी उस वक्त, हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले हुई और ये लोग 2014 के बाद की बात करते हैं, पूरे इतिहास के वो लोग गवाह नहीं। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, ना किसी बड़े आंदोलन में रहे हैं, ना किसी संघर्ष में रहे हैं। तो उन्हें क्या मालूम है राम मंदिर का संघर्ष क्या था और क्या रहा और
पूरे देश में उसमें क्या योगदान दिया था? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है, हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। अचंभा करने वाली बात नहीं है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। तो इनको राम जी ने नहीं बुलाया, ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते हैं। राम मंदिर हमेशा से ही बीजेपी के राजनीति का केंद्रीय मुद्दा रहा है। जाहिर है अब जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो पार्टी इसका चुनावी फायदा लेने से नहीं चूकेगी। विपक्ष के लिए मुश्किल ये है कि ना तो खुलकर इसका विरोध कर सकती है, समर्थन करने का भी कोई सियासी फायदा मिलता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।